अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ हिंट 28। अभी मैं हूँ इस्लामिया कॉलेज के प्रांगण में, मतलब इस्लामिया कॉलेज के अंदर हूँ। और अभी मिलने वाला है 19-22 सेशन का एडमिट कार्ड, जिनका एडमिशन 2019 में हुआ था और ग्रेजुएशन 2022 में कंप्लीट हो जाना चाहिए। उनका फर्स्ट ईयर का एडमिट कार्ड 2021 के अक्टूबर नवंबर महीने में मिल रहा है, नवंबर में एग्ज़ाम होगा। इतना लास्ट में एडमिट कार्ड मिल रहा है, ग्रेजुएशन 2022 में कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट एक दो दिन पहले यहाँ पे जयप्रकाश विश्वविद्यालय के VC आए थे, वाइस चांसलर आए थे, उनसे हम बात किए थे फारूक अली से, तो वो बोले थे कि 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा ग्रेजुएशन। बट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा मुश्किल लग रहा है। और एक जो छवि बनाई गई है JP यूनिवर्सिटी की कि 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में होता है, ये होता कैसे है उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बताएं तो हमको दो मौका मिलता है, प्रोमोटेड होने के बाद या बैक लगने के बाद हमको दो एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। मान लीजिए अगर से हम अपनी खुद की एग्ज़ाम्पल बता दें, मेरा एग्ज़ाम एडमिशन हुआ था 2017 में, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिए फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्सिडरी में, बैक लगा। फिर उसके बाद पार्ट टू का एग्ज़ाम हम दिए, पार्ट टू मेरा क्लियर है। फिर एग्ज़ाम पार्ट वन का दिए तो उसमें एक और बैक लग गया, फिजिक्स में एक क्लियर हो गया। तो उनके हिसाब से इस वजह से कुछ लड़कों का 3-4-5 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। बट अभी जो 19-22 सेशन है 2021 के लास्ट में होता है तो उनका तो सेशन लेट हुआ ना। बट जितना भी हो एग्ज़ाम थोड़ा लेट से होता है और कुछ गलती स्टूडेंट्स में भी है। और मैं इस्लामिया कॉलेज में इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, सेशन के हिसाब से देखे तो 5 साल का एक्सपीरियंस, बट 6-7 साल का एक्सपीरियंस रहा है। और हम यहाँ के छात्रों की मेंटलिटी और यहाँ के जो प्रोफेसर्स है और स्टाफ्स है उनकी मेंटलिटी को हम ऑब्ज़र्व किए हैं, बाय द नेचर हमारा ऑब्ज़र्व करने का नेचर आता है। तो स्टूडेंट्स में से अप्रोक्स सिर्फ 10% लड़के आते हैं क्लास करने, 10 लड़के रेगुलर क्लास करने आते हैं और बाकी के 90% लड़के क्लास करने नहीं आते हैं। है सही है ना? लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में इतना बुक है ना जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और हमेशा बुक आते रहता है। अभी इस सेशन में भी भर भर के बुक आया है और हम बात करेंगे कि कितने लड़के लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करते हैं। और साथ ही साथ हम स्पोर्ट्स रूम में भी देखें, अलमीरा निकाल के, अटैची निकाल के, उसमें भी भर भर के सामान है स्पोर्ट्स का, पूरा जलसी है, पूरा स्पोर्ट्स का सामान है, बट लड़के खेलते नहीं हैं और ना ही लड़कियां। तो अभी हम बात करेंगे कुछ लड़के और लड़कियों से कि उनकी कॉलेज लाइफ कैसी गुजरी है और उनका जो सेशन लेट चल रहा है वो सेशन टाइम पे हो पाएगा या नहीं। 19-22 सेशन का अभी एडमिट कार्ड मिल रहा है इसलिए भीड़ है, लेकिन ये भीड़ डेली होना चाहिए था पढ़ाई के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, लाइब्रेरी के लिए, क्लास के लिए। बट बहुत अफसोस की बात है कि लड़कों में ऐसा शौक ही नहीं है कि वो रेगुलर क्लास करें। और इसका एक वजह ये है कि पहले से इमेज ख़राब हो गया है कि कॉलेज में सिलेबस पूरा नहीं हो जाता है, नहीं हो पाता है। और इसके एक जो उदाहरण है हमारे भाई हैं जो पटना में पढ़ते हैं, हम इनसे बात करेंगे कि ये क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं इस कॉलेज की स्थिति के बारे में। सबसे पहला बात है कि हम लोग दूर से आते हैं, 30 किलोमीटर दूर से आते हैं, 4-5 घंटा हम लोग क्लास नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। मेन बात है सिलेबस का, तो सिलेबस भी यहाँ का बहुत ज़्यादा लार्ज है, लंबा सिलेबस है। मैं जहाँ पढ़ता हूँ डॉक्टर प्रोफेसर हैं BD यादव सर, महेंद्र में गांधी चौक पढ़ाते हैं, वहाँ पे भी मैं अभी 2019 से पढ़ रहा हूँ। यहाँ 3rd ईयर का वहाँ क्लास चालू हो गया, यहाँ 1st ईयर का अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। तो अब यहाँ आके हम क्लास करते हैं तो हमको नहीं लगता कि यहाँ सिलेबस चलेगा, पहले से माहौल भी बिगड़ल है, तो यहाँ से कैसे हम लोग यहाँ आके हम पढ़े। मान लीजिए हमको 3 साल तक 1st ईयर का क्लास करें वेट करेंगे तो क्या होगा। पटना में है कि हम लोग वहाँ क्लास भी कर लेते हैं ग्रेजुएशन का, और कोई कॉम्पिटेटिव क्लास भी पकड़ लेते हैं, तैयारी हो जाता है साथ में। और ये इसमें
कितनी गलती छात्रों की है कि छात्रों को आवाज़ उठाना चाहिए कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो, रेगुलर क्लास हो, और प्रोफेसर तो वेल क्वालिफाइड हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होता है, बट ऐसा माहौल पहले से बना हुआ है, तो छात्रों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए पहले से जो माहौल है कि पहले से बिगड़ल हुआ है कि यहाँ क्लास होता नहीं है, और जिसकी वजह से लड़के भी नहीं आते हैं, और कुछ आते भी हैं तो पता नहीं, अब हम तो क्लास एक भी दिन यहाँ नहीं किए हैं, हम भी पटना ही पढ़ते हैं और तैयारी भी करते हैं SSC का, तो अब कैसे हम बोल दे कि क्या ऐसी होता है कि नहीं होता है। बल्कि अधिकतर छात्रों से यही सुने कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है यहाँ, इस तरह से हम लोग पटना पढ़ते हैं जो सिलेबस सर तैयार कराते हैं, पता नहीं यहाँ होता और है। एक वाली बात, जो लाइब्रेरी की सुविधा के बारे में आप जो देखें उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लाइब्रेरी यहाँ बिल्कुल फ्री है, बहुत सारे मतलब समझिए कि स्वर्ग जैसा है, लेकिन ये है कि यहाँ सिलेबस नहीं, जो क्लास नहीं हो पाता जिसके वजह से लड़के नहीं आ पाते हैं यहाँ, तो अब इतना रहने के वजह से भी, इतना बढ़िया रहने के वजह से भी कोई फ़ायदा नहीं, क्लास ही नहीं कोई करेगा तो फिर कैसे आएगा, लाइब्रेरी कैसे देखेगा, लाइब्रेरी में कैसे, वहाँ है कि हम लोग पैसा दे के 4-4 घंटा 5-5 घंटा पढ़ते हैं, यहाँ पे फ्री में मिल रहा है तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं लोग। हाँ तो यहाँ ये है कि अब क्लास ही नहीं होगा तो फिर कैसे, सिलेबस ही कम्प्लीट नहीं होगा। हम आपके जानकारी के लिए बता दें, क्लास होता है, क्लास हम किए हैं और जो भी लोग आते हैं क्लास होता है, कम्प्लीट होता है सिलेबस A to Z कम्प्लीट। ठीक है, तो हम तो यहाँ नहीं है तो आप कैसे बता सकें, हम पटना में तैयारी जी। देखिए बात यह है कि पहले से ये मान्यता बन गई है कि क्लास नहीं होता है, पढ़ाई नहीं होती, बट आप कॉलेज में आइएगा तो क्लास रेगुलर होता है, और इस मान्यता के वजह से कुछ जो मेधावी बच्चे हैं, जो अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, शुरू में मैं जब एडमिशन लिए थे, मैं खुद की बता दूँ, मैथमेटिक्स में मेरा 87 नंबर आया था, 87, जो भी प्रोफेसर हमको दिखा और जिससे भी हम बात किए तो वो फर्स्ट उनका रिव्यू यही था कि आपको JP यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना चाहिए, आपको पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। हम खुद की बात बता रहे हैं कि हमसे जितने भी प्रोफेसर्स मिले सब ये बात बोले, और सिर्फ ये मेरी बात नहीं है, यहाँ पे 100 में 100 मार्क्स लाने वाले बच्चे भी एडमिशन लेते हैं। हम खुद देखे हैं कि जिनका 12th में 100 मार्क्स आया वो भी बच्चे एडमिशन लिए, बट वैसे बच्चे एडमिशन लेके क्लास करने नहीं आते हैं, वो चले जाते हैं पटना पढ़ने या फिर दिल्ली पढ़ने, और वहाँ से सिर्फ यहाँ पे एग्ज़ाम देने आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक डर है कि हम यहाँ पे रहेंगे तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जनरल कंपटीशन है, जनरल कंपटीशन की तैयारी सही से नहीं हो पाएगी, और साथ ही साथ 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 19-22 सेशन है और 2021 के लास्ट में एडमिट कार्ड मिल रहा है हम लोगों को, तो ग्रेजुएशन हमारा कब कम्प्लीट होगा जो 19-22 सेशन है। इस डर से भी लड़के बाहर चले जाते हैं क्लास करने, और जो लड़के यहाँ पे क्लास करते हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, आप बोल रहे हैं रेगुलर स्टूडेंट, तो आप देखें जी किस तरीके से आए हैं भाई। रेगुलर स्टूडेंट पता है 100 में ना 5-6% आता है सब, हम आपको बता रहे हैं रेगुलर स्टूडेंट, हमसे मत पूछिए भाई, बताइए क्या दिक्कत क्या है, सही बोलने में क्या दिक्कत है बताइए। रेगुलर स्टूडेंट बहुत कम पढ़ने आते हैं, ज्यादातर आवारा गर्दी करने आते हैं, ये भी बात बहुत है। आइए और भी बच्चों से पूछते हैं कि उनका ग्रेजुएशन 3 साल में कंप्लीट हो पाएगा या नहीं, इस बात की उम्मीद है या नहीं। आइए भाई, अरे भाई आप लोग आ जाए यार, ग्रेजुएशन में है यार, आप लोग इतना है आप सवाल है, पता है लग रहा है कि हम बंदूक लेके घूम रहे हैं ऐसे लोग भाग तो स्टूडेंट्स भाग रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, आपका सेशन कौन सा है ऐसे सिस्टर को लेकर आए, गार्जियन ऐसे गार्जियन आए, यहाँ पे आप माहौल देख सकते हैं, एडमिट कार्ड मिल रहा है और 1 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला है 19-22 सेशन का, और एडमिट कार्ड आप लिए हैं भाई। तो एक प्रॉब्लम अभी हुआ है कि एडमिट कार्ड जो आ रहा है, आपको कुछ बोलना है ऑन कैमरा है, 19-22 सेशन का एडमिट कार्ड मिल रहा है, और एडमिट कार्ड में बहुत सी त्रुटियां आ रही हैं, हम खुद देखे हैं कि एडमिट कार्ड में फ़ोटो नहीं आ रहा है, और जो वो सब्जेक्ट का पढ़ाई किए हैं वो सब्जेक्ट से अलग सब्जेक्ट आ रहा है, और भी बहुत सी त्रुटियां आ रही हैं। इस वजह से अभी प्रशासन बोल रही है, प्रशासनिक भवन बोल रही है कि आज एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, कल फ्राइडे को क्लोज रहता है, 30 तारीख को एडमिट कार्ड मिलेगा, 31 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। और ये देखिए पहली गलती यूनिवर्सिटी की है कि यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी 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 गलती क्यों की है,
तीन चार दिन बाद एग्ज़ाम होने वाला है और लड़के ऐसे मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारा एडमिट कार्ड मिले। और एडमिट कार्ड मिल रहा है उसमें भी फ़ोटो नहीं है किसी में, किसी का सब्जेक्ट चेंज हुआ है। तो अब ये फिर हाँ किसी को अच्छा उसके साथ 19-22 सेशन है और 19-22 सेशन है। अभी 2021 में सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होना चाहिए, अभी 2021 का लास्ट ईयर का तो हुआ नहीं, सेकेंड ईयर का कौन पूछता है। तो VC आए थे, आप वीडियो देख सकती हैं मेरे चैनल पे, उनसे हम पूछे थे कि 19-22 सेशन का ग्रेजुएशन 22 में कंप्लीट हो जाएगा या नहीं। वो बोले थे कि कंप्लीट हो जाएगा, आप वीडियो देख लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो आपको क्या लगता है 22 में कंप्लीट हो जाएगा आपका ग्रेजुएशन या कब तक जाएगा? 22 में तो बहुत कम चांस है क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, तो हम फाइनल कैसे कर लेंगे? अभी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है और एडमिट कार्ड आया है, बहुत ड्रामा है, मतलब अंदर जाने भी ढंग से नहीं दे रहा लोग, एडमिट कार्ड मिले ना मिले, आज तो फाइनल मतलब किसी का मिलेगा भी नहीं, अब वो भी बुला रहा है लोग परसों। और एडमिट कार्ड में बहुत बहुत सी त्रुटियां दिख रही है, कौन कौन सी गलतियां एडमिट कार्ड में देखने? जैसे मतलब मान लीजिए मेरा उर्दू का ऑनर्स है तो उर्दू छोड़कर हिंदी डाल दे रहा लोग, हिंदी नहीं तो इंग्लिश, मतलब ऐसे बहुत सारा गलतियां कर रहा लोग इस तरीके। देखिए लूप होल्स बहुत है बदनामी के लिए और प्रशासनिक भवन में सही से काम ना होने के लिए। यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि ये गलती JP यूनिवर्सिटी की है कि एडमिट कार्ड में इतनी सारी गलती आ रही है कि हम उर्दू ऑनर्स हैं और ऑनर्स पेपर में हिंदी आ गया है, किसी का फ़ोटो ही गायब है और एग्ज़ाम होगा 31 तारीख से और 30 तारीख को आने के लिए बोल रहे हैं एडमिट कार्ड के लिए। कल फ्राइडे को कॉलेज बंद रहता है। देख लीजिए हमारा बिहार का शिक्षा का स्तर इसीलिए ख़राब है, ये सभी ग्रेजुएट होने वाले हैं, हो सकते थे 2022 में अगर से JP यूनिवर्सिटी सही से काम करता तो। बट एक जो मैं ऑब्जर्व किया हूँ एक नाउम्मीदी है नागरिक में भी और छात्रों में भी कि ना पढ़ाई सही से होगा ना सेशन सही से होगा। और एडमिट कार्ड अभी मिला है, मिलने वाला है, उसमें भी गलती है, सब गड़बड़े घोटाला है। अब आप आगे आके यूनिवर्सिटी पे आप दबाव नहीं कीजिएगा कि ऐसी गलतियां ना हो, तब तक कुछ होने वाला है नहीं। तो आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा, आपको यूनिवर्सिटी में कंप्लेन करना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी सही से काम करे, एडमिट कार्ड को सही से इशू करे और टाइम पे एग्ज़ाम ले और टाइम पे रिजल्ट दे।